तरफ प्रार्थना पास्टर से करवा रहे हैं, दूसरे तरफ आपके मन में शक है। शैतान ने आपके मन को, आपके दिमाग को पकड़ के रखा है और आप में अंदर भिन्न 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 प्रकार के वो क्या वो बातें डाल रहा है, वो शक डाल रहा है और आप उन बातों को लेकर हृदय में बैठ। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। मेरे प्रियो, बहुत से भाई बहन प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह से अपनी समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए, चिंताओं के लिए, जो भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में होती है वो प्रभु के सम्मुख में रहते हैं। कुछ का प्रार्थना का उत्तर मिलता है और कुछ का प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता है। कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 महीना, कोई 2 साल से प्रार्थना कर रहा है, फिर भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। कोई आज प्रार्थना कर रहा है, कल उसका उत्तर मिल जा रहा है। क्या कारण है कि प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है? हमें अपने आप को जांचना है कि हमारे अंदर वो क्या कमी है जो मुझे परमेश्वर के आशीषों से वंचित कर रहा है या कर रहा हूं। वो हमारे अंदर क्या कमी है कि मुझे परमेश्वर के आशीषों से वंचित होना पड़ रहा है, मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। अपने आप को आज जांचिए, आराम से बैठिए प्रभु की उपस्थिति में। उसके उपस्थिति में बैठते हुए अपने आप को जांचिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्या ऐसा काम किया हूं जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अगर वो आपके जीवन में बातें पाई जा रही है इस समय, उन बातों को अपने जीवन से निकाल फेंकिए। झूठ बोलना है, दूसरों से घृणा करना है, दूसरों को संपत्ति को देखकर जलना है, उसके पास घर आ गया, उसके पास गाड़ी आ गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब आप उस व्यक्ति से जलन की भावना के तरह आप देख रहे हैं, तो क्या हो गया? वो परमेश्वर के विरुद्ध में हो गया। हालेलुया। हमारे पास जितना है उतना में ही हमारे पास खुशी मनाना है, आनंदित होना है, उतना में ही प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु उन्हें तू आशीष दे रहा है, और भी उन्हें आशीष दे, और भी तू उनको बरकत दे, और भी ऊंचा कर। हम अपने आप को जांचे। मैंने बहुत से वीडियो ऐसे बनाया है इस चैनल पे कि हमें प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल पा रहा है, वचनों के साथ बनाया हूँ। उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उन वीडियो को देखिए, वचनों के साथ विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है। अपने आप को हमें जांचना है कि हमें प्रभु से प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल पा रहा है। हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं याकूब के उसके 5वें अध्याय के उसके 16 पद से। तो यहां पास लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हमें क्या करना है? हमें एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाना है। जो पाप हमसे हुए हैं उन पापों के लिए प्रभु से माफी मांगना है। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र करेगा। उन बातों को प्रभु को उपस्थिति में बैठते हुए मानिए, हाँ प्रभु ये गलती मुझसे हुआ है, मुझे माफ कर। उसका दिल जो है वो कठोर नहीं है मनुष्यों के जैसा, वो हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है कि उसने अपना एकोत्ता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो। और यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो अपना अंतिम रक्त बहा दिया, और उससे अधिक भी प्यार करता है। उसको मरने के बाद भी वो हमसे इतना प्यार करता है कि मृत्यु भी उस पर जयवंत नहीं पा सकी। तीसरे दिन वो जिंदा होकर हमारे संग संग रहता है। हालेलुया। यहां प्यास क्या कहता है? इससे तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अपने अपने गलतियों को एक दूसरे के सामने मान लो। और परमेश्वर ऐसे ही आज बहुत से लोगों से बात करना चाहता है जो सालों सालों से अपने मन में घृणा एक दूसरे के प्रति लेकर बैठे हुए हैं।
उस जलन की भावना लेकर अपने अंदर बैठे हुए हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे। याद रखिए, परमेश्वर कभी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल देगा आपको, जब तक आप सच्चे मन, सच्चे हृदय, सच्चे लालसा, सच्चाई, ईमानदारी के साथ उसके सम्मुख में नहीं बैठेंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। हमें अपने पापों को उसके सामने मानना है, अपने मन से दूसरे के प्रति कड़वाहट को मिटाना है। हमारा मन एक बच्चे के नाई जैसा होना चाहिए, तो प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। वचनों के साथ वीडियो बनाया गया है, आप देखिए और उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कीजिए। और यहाँ कहा है, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो आपके जीवन में बाधाएं हैं, जो भी बंधन है, उन बंधनों को तोड़ने के लिए प्रार्थना अति आवश्यक है। हालेलुया। जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए आप दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाएं, परमेश्वर ऑटोमेटिक ही आपके प्रार्थना का उत्तर देना चालू कर देगा। बाइबल क्या कहती है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। तो आज से ही आप निर्णय लीजिए कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगी। आपके जीवन में जो समस्याएं, हो सकता है आपके इस हाथ में दर्द हो, तो आप इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में केवल एक ही मनुष्य नहीं है कि आपके हाथ में दर्द हो, सिर में दर्द हो, बुखार हो, बीमार पड़े हो। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, वही बहुत से करोड़ों लोगों के पास भी होगी। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जिस समस्या, जिस बीमारी से मैं ग्रसित हूँ, मैं परेशान हूँ, जितने भाई बहनों को दुनिया भर में ये समस्याएं सता रही है, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर पिता परमेश्वर उनको चंगाई प्रदान कर। जो चिंताएं मेरे जीवन में कार्य कर रही है पिता, वो चिंता अगर दूसरे के जीवन में है, उन चिंताओं के लिए मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करती हूँ। तेरे नाम से उनकी चिंता दूर हो जाए, उनके हर एक बंद रास्ते खुल जाए। इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना कीजिए, दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देना चालू हो जाए, कर देगा। और यहां कहता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब आप बोलेंगे, मैं तो ना पास्टर हूं, ना प्रचारक हूं, मैं दूसरे के लिए प्रार्थना कैसे कर सकता हूं? अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और आप उसके वचनों पर चलते हैं, तो आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। या आगे कहता है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया क्या था? वो एक मनुष्य था, आपके जैसा मनुष्य था। एलिया भी तो हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्षों तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। एलिया क्या था? एक हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने प्रभु से प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना किया? गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया, घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ प्रार्थना किया होगा, गिड़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना किया कि धरती पर मेह ना बरसे। और यहां कहता है 3.5 वर्षों तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। किसके प्रार्थना करने से 3.5 वर्षों तक मेह नहीं बरसा? एलिया, वह भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसके प्रार्थना करने का तरीका जो था वो अलग था। कैसा था? देखिए 17 पद, देखिए याकूब के 5 अध्याय के उसके 17 पद को देखिए। वहां लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान, किसके समान? हमारे समान दुख सुख, यानी कि उसके जीवन दुख सुख सभी आती है, जिस प्रकार से हमारे जीवन में आती है। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। आप क्या हैं? आप भी मनुष्य हैं।
वह भी दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया कि भूमि पर मेह ना बरसे और 3.5 वर्षों तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। विश्वास के साथ की जाने वाली प्रार्थना का उत्तर प्रभु देता है। एक तरफ प्रार्थना कर रहे हैं, एक तरफ प्रार्थना पास्टर से करवा रहे हैं, दूसरे तरफ आपके मन में शक है। शैतान ने आपके मन को, आपके दिमाग को पकड़ के रखा है और आप में अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के वो बातें डाल रहा है, वो शक डाल रहा है और आप उन बातों को लेकर हृदय में बैसा रहे हैं और उन बातों को सोच रहे हैं। और जैसे ही आपके अंदर विचार आती है, एक विचार आए उससे दूसरा विचार उत्पन्न होता है, ऐसे विचार उत्पन्न होते रहते हैं। वो क्या होते हैं? वो सब शैतान के द्वारा होता है और आपके मन में क्या हो जाता है? शक आ जाता है। और शक कौन लाता है? शैतान की तरफ से आता है। तो शक करने वाले मनुष्य ये ना सोचे कि परमेश्वर से उन्हें कुछ प्राप्त होगा। प्राप्त मतलब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करने वाले हों। अगर हम कितने बड़े पास्टर से हम प्रार्थना करवा लें और अगर आपके अंदर शक बैठा है तो आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। जितने भाई बहन लोग सच्चाई के, ईमानदारी के साथ उसके आज्ञाओं पर चलते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर देता है और आगे भी देता रहेगा। बहुत से गवाहियां आई हैं, डॉक्टर ने बोल चुका था आपको बच्चे की आस नहीं मिल पाएंगे, सालों बीत चुके, 10 साल 15 साल हो चुके थे, वो दवाई खाते थे लेकिन प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ। सच्चाई के साथ गिड़ाते हुए आंसुओं के साथ प्रार्थना किया, डॉक्टर ने बोल दिया था बीमारियां ठीक नहीं हो सकती थी, आपको दवाई सालों सालों खाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से उनको भी चंगाई मिला। तो परमेश्वर जब उन सबको कर सकता है तो आपको भी चंगाई दे सकता है, आशीष दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। केवल हम प्रभु से प्रार्थना करें, ईमानदारी के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। गिराते हुए एलिया के जैसे हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर देना भी शुरू कर देगा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इन सारे बातों के लिए। हम जो वचन सुने हैं पिता, हाँ प्रभु जी ये जो वचन सुने हैं भाई बहन पिता, ये वचन इनके जीवन में 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता, ये प्रार्थना करने वाले हो जाए दूसरों के लिए, ये गिराते हुए आंसुओं के घुटने पे आकर तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए, ये त्रिवचन का पालन करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, यही हम प्रार्थना करते हैं। मैं पियो हम प्रभु से प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ उसको उपस्थिति में बैठते हुए गिराते हुए हम उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, जिस तरह एलिया की तरह, जिस तरह एलिया का प्रार्थना किया और 3.5 वर्षों तक भूमि पर वर्षा नहीं हुआ और फिर उसने प्रार्थना किया, भूमि फलवंत हुई। एलिया कौन था? हमारे समान एक दुख सुखी भोगी मनुष्य था। हम भी विश्वास के साथ प्रभु को पस्ती बैठकर गिराते हुए हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं। परमेश्वर हमारे लिए हर एक बातें करने के लिए तात्पर्य है। प्रभु जी इन सबको तू आशीष प्रदान कर, पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों पर चलने में इन सब की सहायता प्रदान कर, इन सबको आशीष चंगाई छुटकारा दिया। धन्यवाद, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुंदर आशीष रहकर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक कमेंट उसने किए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके उसके वचनों पर चल के अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।